मसी में सबको पाकिस्तान में आऊँगा मेज़बान शाजा खरी नाजरीन आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ यू सी एच हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर आज यकम का दिन है और फ्री मेडिकल कैंप शुरू हो गया जो कि हर डिपार्टमेंट में जिस तरह आई डिपार्टमेंट डेंटल डिपार्टमेंट गाइनाकोलॉजिट स्किन डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और ये हमारे मसीह कम्यूनिटी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर आप हर महीने के यकम वाले दिन यहाँ पर आप आ सकते हैं और अपने चेकअप फ्री करवा सकते हैं और दूसरी बात ये भी है कि जो भी आप चेकअप करवाएंगे अगर वो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के अंदर होगी तो उसकी उस दिन के हवाले से 50% परसेंट ऑफ मिलेगी यानी कि जो अखराजात आपके आएंगे उसके आधे पैसे आप देंगे लेकिन यकम वाले दिन जो कि हर माह के यकम जो एक तारीख आएगी उसके हर माह को यूसीएच हॉस्पिटल के अंदर फ्री मेडिकल कैंप शुरू हो गया है ये हमारी मसीही कौम के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हर महीने की पहली तारीख को आप यू सी एच हॉस्पिटल में आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आप हर डिपार्टमेंट में फ्री चेकअप करवा सकते हैं तो मैं आपको अंदर जो डिपार्टमेंट है जहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप चल रहा है वहाँ पर आपको डॉक्टर से भी बात करवाता हूँ और यहाँ की जो मैनेजमेंट है जिन्होंने शुरू करवाया है ये काम उनके साथ भी बातचीत करते हैं तो आइए अंदर चलते हैं राजस्ताब जानते हैं कि यू हॉस्पिटल के अंदर फ्री मेडिकल कैंप शुरू हुआ है जो कि हर मंथ के यकम से शुरू होगा और मैं इस वक्त आई डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ मेरे डॉक्टर साहब मौजूद हैं हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त ये पहला मेडिकल कैंप है जो फ्री शुरू हुआ है कि यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप शुरू किया जा रहा है और ये हर डिपार्टमेंट में हम पहले डिपार्टमेंट में हैं जो कि आई डिपार्टमेंट है और लोगों की राय यही होती थी कि पहले सिर्फ और सिर्फ आई डिपार्टमेंट में ही फ्री मेडिकल चेकअप होता था लेकिन अब यकम को हर महीने की यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में फ्री मेडिकल कैंप लगेगा जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज क्या रेशी चल रही है मरीजों की और क्या तादाद है किस तरह चल रहे हैं मुकाबले में तो बहुत ज्यादा पेशेंट आए हैं मैंने गिने तो नहीं है मैं जब से आया हूँ ड्यूटी पर तो मैं बिजी ही हूँ मसरूफ चल रहा हूँ अभी भी काफी पेशेंट्स इंतजार में बैठे हुए हैं तो चालीस पचास साठ तो हो गए होंगे मुझे लगता है बट टोटल का मुझे पता नहीं अभी तो टाइम हमारे पास है काफी तो काफी रौनक लगी हुई है सर जिस तरह डॉक्टर साहब कोरिया के साथ का ये तो किस तरह सुनने में आया कि एक फ्री लेंस भी दे देते हैं और कुछ ऑपरेट भी करते हैं फ्री ये किस तरह तादाद है ये उमून ये, ये साल में दो दफा होता है, है। मार्च के महीने में और अक्टूबर के महीने में अभी इस दफा भी अक्टूबर में प्लान किया हुआ है तो जो पेशेंट्स आते हैं वो सारे फ्री आते हैं तो हर चीज उनको एग्जामिनेशन भी फ्री होती है मेडिकेशन भी फ्री होती है और उनकी सर्जरी भी फ्री होती है सारा कुछ कंप्लीट फ्री करते हैं और डेली के दो तीन सौ पेशेंट्स हम देखते हैं और लास्ट जो एम जो कैंप लगा था उसमें मेरे ख्याल में अराउंड टू के करीब सर्जरी हमने यहाँ पे हुई थी हमारी हमारे तो तो टोटली फ्री थी हाँ बिल्कुल फ्री एबसोलूटली सब कुछ अच्छा जिस तरह फ्री मेडिकल कैंप शुरू हुआ हॉस्पिटल में और आई डिपार्टमेंट में हम आए हुए तो क्या रिशो देख रहे हैं आप किसी के साथ आए कि पेशेंट अच्छा मैं किसी के साथ आया हूँ लेकिन यूसीच का एक ये बड़ा अच्छा एक दाम है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेडिकल कैंप्स स्पेसिफिकली आई के हवाले से अरेंज किया जा रहा है तो ए, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है यूसी एच की तरफ से लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक दुखी इंसानियत की फ्री ऑफ कॉस्ट मदद भी कर रहा है यूनाइटेड हॉस्पिटल तो दोनों साइड पे पाकिस्तान की तरक्की में भी ये अहम किरदार कर रहा है और उस तरह उसके साथ साथ जो आउटरीच कम्युनिटी है उधर तक भी रसाई दे रहा है जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह आज फ्री मेडिकल कैंप है और आई डिपार्टमेंट में तो क्या रेशो देख रहे हैं पेशेंट किया आ, अभी मेरे ख्याल में बहुत पेशेंट आए हैं सुबह से सुबह नौ बजे से लेके बारह बजे तक हम बिल्कुल फ्री नहीं थे आप अभी भी देख रहे हैं कि दस पंद्रह मरीज बैठे हुए हैं ठीक है तो ये फ्री मेडिकल कैंप लगने से क्या मरीजों की तादाद बढ़ती जाएगी बढ़नी तो चाहिए क्योंकि एक तो मौसम भी खास आंखों का है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये छः माह जो होते हैं खास आंखों के लिए होते हैं आंखों के ऑपरेशन के लिए आंखों के दूसरी जो डिजीज है उनके लिए ट्रीटमेंट के बहुत अच्छे दिन होते हैं अच्छा तो एहतियात क्या करनी चाहिए पेशेंट्स को इन दिनों के अंदर इन दिनों में आजकल तो वैसे भी जैसे सिंध में या बलोचिस्तान में वो सलाब आया हुआ तो उसकी वजह से काफ़ी वो वायरल आंखों का इन्फेक्शन है ठीक है उसके हिसाब से फिर एक तो आंखों में पानी के छटे लगाने चाहिए ठीक है ताकि अगर दिन में कितनी बार। दिन में कम से कम जब भी आप बाहर से घर आते हैं जरूर लगाने चाहिए ठीक है हाँ उससे यह आपके आंखें साफ हो जाएंगे अगर ज्यादा इन्फेक्शन है तो फिर आप डॉक्टर से रिजूर करें जी हमारे साथ एक स्टाफ मौजूद है जो यहाँ पर पेशेंट की एंट्री भी कर रही है तो हम पूछेंगे आज के दिन कितने पेशेंट अब तक आ चुके हैं और क्या चल रही है जी बताइएगा आज अभी तक तकरीबन सताईस पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं मतलब के आई डिपार्टमेंट के हवाले से सर आकाश मैथ्यू के हवाले से ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है कि पेशेंट अगर आते हैं ना तो उनका अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उनके साथ फ्री भी किया जाता है डेली रूटीन में रूटीन में भी कैंप के अलावा भी हाँ जी आज तकरीबन तकरस पेशेंट आ चुके हैं और आपके सामने जी मैं स्किन डिपार्टमेंट में मौजूद मेरे पास डॉक्टर मौजूद हैं जो कि फ्री मेडिकल कैंप जो चल रहा है यूसीएच के अंदर उनको किया है। आ, अब हमने यही तह किया है की कि फर्स्ट ऑफ द मंथ जो भी होगी उसमें हम फ्री पेशेंट्स देखेंगे फ्री मेडिकल कैंप होगा यूसीएच में और जो पेशेंट्स आते जा रहे हैं उनको हम वैसे ही सेटिसफाई कर रहे हैं जैसे हम रूटीन में अपने ओपीडी में करते हैं अच्छा जिस तरह रेगुलर पेशेंट आ रहे हैं तो क्या तादाद इस वजह से कम आ रही है कि शायद लोग समझते हैं कि यहाँ पे फीस ज्यादा है आ, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरा ख्याल है कि यूसी में जो अगर हम बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो फीस बहुत ही मुनासिब है और जो सहूलियात है ना वो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल वाली ही दी जाती है ठीक है तो हम अपने नाजर को ये बताना चाह रहे हैं कि आने वाले पेशेंट को क्या पैगाम देना चाह रही हैं Uh, आने वाले पेशेंट्स को मैं कहूंगी कि uh, जरूर आइए एक प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड इदारा है जहां आउट पेशेंट इन पेशेंट इमरजेंसी लैब हर सहूलत मौजूद है और सारे कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और मल्टा स्पेशलिटी है वी वर्क एज ए टीम तो जो भी आपको कोई भी इशू है जैसे जिल का हो गायनी का हो आपको का, मेडिसिन का है फिजियो है एनी सर्जरी हर चीज हमारे पास मौजूद है तो और पढ़े लिखे मौजूद हैं हमारी टीम में ये ये डॉक्टर कि आज जिस तरह है के अंदर तो को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्योंकि हर माह ये लगेगा इस हवाले से कुछ बताइएगा जी, मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि ये फ्री मेडिकल कैंप मीन यहाँ से कोई चार्जेस नहीं हॉस्पिटल आपने आपने में आना है अपना फ्री मेडिकल चेकअप करवाना है और घर चले जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट है हर मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे है यहाँ पे गायनी का भी फ्री कैंप है मेडिसिन का भी फ्री कैंप है और यहाँ पे फिजियोथेरेपी है यहाँ पे स्किन भी, uh, भी है, है। यहाँ पे साइकेट्रिस्ट uh, भी बैठे हुए हैं साइकोलॉजिस्ट भी है डेंटल यूनिट भी है तो आपके पास कोई भी मसला हो आप तशरीफ़ तो लाएँ जी मैं गायनी डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ मिस्टर डॉक्टर साहब मैं मौजूद है हम इनसे पूछेंगे कि जो जिस तरह फ्री मेडिकल कैंप चल रहा है यू के अंदर हर महीने के पहली वाले दिन यकम वाले दिन तो पेशेंट्स को क्या फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं इस हवाले से कि क्या क्या चीज़ें फ्री हैं ये बताइएगा मेरा नाम डॉक्टर बुशरा गुलजार है मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में और यहाँ पे हमने अभी रिसेंटली एक्टिविटी स्टार्ट की है टू इनहांस द ग्रोथ एंड टू मेक प्रोग्रेस इन द गायनी डिपार्टमेंट एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट्स तो इसमें हम ये करेंगे कि हर महीने की पहली तारीख को ना हम यहाँ पे एक फ्री कैंप करेंगे ठीक है इस वक्त जो हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल है मैं कंसल्टेंट गायनी हूँ और हेड कर रही हूँ इस वक्त गायनी डिपार्टमेंट को इसके साथ हमारे पास स्किन की स्पेशलिस्ट हैं वो भी मेरी तरह एफ हैं मतलब ये पाकिस्तान की बेस्ट डिग्री है जो आ, अपनी फील्ड में है और उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट हैं जनरल फिजिशियन हैं डॉक्टर नासिर उनका नाम है और साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर माहम इसके अलावा आई डिपार्टमेंट है हमारे पास डॉक्टर आकाश उसको हेड करें तो इन सब डिपार्टमेंट्स में फ्री कैंप करने का मकसद ये है कि लोग आए और इस्पेशली कम्यूनिटी अपने ही हॉस्पिटल को अवेल करे ये ना हो कि वो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना रश है वो उसको फेस कर रहे हैं मतलब कोविड भी है तो उसके वे में उनको रश फेस नहीं करना पड़ेगा अपने ही हॉस्पिटल में जाके अपने ही लोगों से वो फैसिलिटीज़ अवेल कर लेंगे और बेस्ट सर्विस हम यहाँ पे दे रहे हैं मतलब गुलबर्ग के मेन एरिया में हम बैठे हैं जो सेंट्रल है ऑल साइड से यहाँ पे एक्सेस आसान है मुश्किल नहीं है ठीक है लेकिन आ, मतलब प्रॉपरली हॉस्पिटल की मार्केटिंग नहीं हुई पिछले सालों में और शायद सर्विसेज में भी कुछ कमी थी जिसकी वजह से वो रिस्पांस नहीं है जो होना चाहिए तो हमारा ये सब करने का मकसद ये है कि लोग इस दिन आए फ्री चेकअप्स होंगे सारे चेकअप्स फ्री होंगे जो डॉक्टर प्राइवेट इस वक्त बैठे हुए वो भी फ्री चेक करेंगे ठीक है गायनी स्किन फिजियोथेरेपी साइकोलॉजी और जनरल फिजिशन और आई सब ठीक है और उसके बाद जो टेस्ट हैं अल्ट्रासाउंड है एक्सरे है, एक है आ, ब्लड के टेस्ट हैं यूरिन के टेस्ट हैं किसी किस्म का टेस्ट है वो सब फिफ्टी परसेंट ऑफ पे होंगे और हमारे इतने कम रेट्स हैं जी मैं सर डेंटल डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और जिस तरह हमने हर डिपार्टमेंट में जाकर बातचीत की है हम इनसे भी पूछेंगे कि डेंटल डिपार्टमेंट के, के हवाले से पेशेंट की क्या रुझान है यहाँ पर आने का और आप लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि आज के दिन जो फ्री मेडिकल कैंप हर महीने लगना है तो क्या लोग आएंगे तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फ्री होंगी जी जक्सा बताइएगा जी गुड आफ्टरनून मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जिस चीज जो प्रोग्राम हॉस्पिटल ने स्टार्ट किया है सर इमरान टाइटस बट्टी ने और डॉक्टर आकाश मैथ्यू ने जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं उन्होंने स्पेशली ये प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया है जो लोग यहाँ पे आने से थोड़ा सा वो हेज़िटेट फील कर रहे हैं कि ये शायद एक्सपेंसिव होगा या हमें ज़्यादा इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी किसी भी ट्रीटमेंट की डेंटल ट्रीटमेंट के हवाले से ये है कि जिनका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो उनका फिफ्टी परसेंट ऑफ में होएगा और बड़े रीजनेबल आ, हमारे पास डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर फारूक भी हैं ही इज़ सी और वो बड़ी तसली तो बख्श औरथोडोंटिक्स हैं यहाँ पे लाइनर्स का के साथ भी ट्रीटमेंट होता है औरथोडोंटिक्स का और इवन के हम आ, उनको औरथोडोंटिक्स में भी फिफ्टी परसेंट ऑफ यानी दे रहे हैं जो लोग ड्यूरिंग कैंप आएंगे और उसमें हम हर तरह के ट्रीटमेंट में उनको 50% परसेंट ऑफ करेंगे और हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज हैं और जदीद इंस्ट्रूमेंट हैं कंपोजिट फिलिंग्स हैं जो आप नॉर्मली बाहर से करवाते हैं तो वो एट थाउजेंड टेन थाउजेंड में फिलिंग आपकी होती है वो ड्यूरिंग कैंप आपकी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में होएगी ठीक है जी थैंक यू जी इमरान साहब ये बताइए जिस तरह आज के दिन यू सी एच में एक बड़ा ही अच्छा मौका चल रहा है कि फ्री मेडिकल कैंप चल रहा है उस हवाले से हमारी मसीह कौम को पैगाम कुछ देना चाह रहे हैं सारे साहब थैंक यू वेरी मच मैं सबसे पहले तो फिर एक दफ़ा आपका शुक्रगुजार गुजार हूँ कि एक दफ़ा फिर नेशनल न्यूज़ जो है उसने यू के साथ सारी कवरेज की और ताकि अच्छी और ताज़ा जो भी सिचुएशन है वो आप लोगों तक पहुँचे मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब जिस तरह हमने अनाउंस किया कि हर महीने की पहली तारीख को अगर पहली तारीख को संडे होगा या कोई पब्लिक हॉलिडे होगा तो हम सेकंड तारीख को तमाम डिपार्टमेंट्स में ओपीडी टोटली फ्री होगा वो एक फ्री मेडिकल कैंप होगा जो जनरल कैंप होगा जिसमें गायनी आई जनरल सर्जरी आ, डेंटल फिजियोथेरेपी और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें वो टोटली इनका चेकअप फ्री होगा और ना सिर्फ ये चेकअप फ्री होगा बल्कि जो अगर आपके कुछ डायग्नोस्टिक्स हैं लाइक लैब है एक्सरे है वो फिफ्टी परसेंट होगा तो इस ऑफर से ज़रूर फ़ायदा उठाएं मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हर महीने की पहली तारीख जो होगी पहला वर्किंग डे जो होगा उसमें यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आपको इस चीज़ का बिल्कुल वेट नहीं करना कि हम अनाउंस करें मैं आज ही ये अनाउंस कर रहा हूँ नेशनल न्यूज़ के तवसत से कि हर महीने की पहली तारीख को आ, टोटली मेडिकल कैंप फ्री हुआ करेगा आप लोग खुदा आपको अपनी अमान में रखे महफूज रखे लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल की के हवाले से जरूरत पड़ती है तो जरूर यूसीच को खिदमत का मौका दें थैंक यू दादाजी इस तरह में सुना कि मैंने आपको हर डिपार्टमेंट में लेके गया वहाँ पर हमने डॉक्टर साहब से भी पूछा और पेशेंट से भी बात की जिस तरह यहाँ की जो मैनेजमेंट है इमरान टाइटर साहब के हवाले से इन्होंने भी यही कहा कि हम हर महीने की पहली तारीख को यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं ये हमारी मसीह कम्युनिटी के लिए भी खुशी की बात है और सारे पाकिस्तानी के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटियाँ है यहाँ पर दूसरे लोग भी आ सकते हैं जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं वो भी आ सकते हैं और यहाँ पर आएँ और फ्री चेकअप करवाएँ हर महीने की पहली तारीख को मैं ये यही बात दोबारा फिर से कहूँगा कि यू के लिए ये जो फ्री मेडिकल कैंप लगाने का मकसद यही था कि लोग यहाँ पर जो इस हवाले से डर रहे हैं कि यहाँ पर यू अगर बहाल हो चुका हुआ है तो शायद फीस ज़्यादा है लेकिन आप जब यहाँ पर आएंगे यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स बैठे हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और हर तरीके से वो ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और चेकअप भी कर रहे हैं और इस्पेशली ये बात सही है कि यहाँ पर अगर चेकअप के बाद अगर आपके कोई और भी आपके ऑपरेट हो रहा है या किसी ऐसे मामला में अगर फीस चल रही है तो वो 50 परसेंट ऑफ होगा मुझे अब कैमरे में तारक तरह को इजाज़ दीजिए